हाय फ्रेंड्स, स्वागत है इनकमेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 7 का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है उसके ऊपर। तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है सबसे पहले कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, तो आपको पता भी होगा कि क्यूबॉइड इस तरह का शेप जिसके 3 डायमेंशन होंगे LBH यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है L इक्वल्स टू दे दिया हुआ है आपका 15 एंड देन B दे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये सारा सेंटीमीटर में है, और हाइट भी दे दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा। तो दोस्तों, आप याद रखोगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू LB एंड देन H। ठीक है, तो और एक यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि अब जब इन आंसर निकालोगे, वॉल्यूम जो दिया हुआ है आपको फाइंड करना है, तो उसका जो यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब में होगा, और एरिया जब निकालेंगे तो स्क्वायर में होगा। ठीक है, ये याद रखोगे। तो यहाँ देखोगे यूनिट आपका क्या है, सभी का सेंटीमीटर, यानी ठीक है अगर ये मीटर में होता या फिर कोई और यूनिट में होता तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते एक सिंगल यूनिट, अब जिसमें दिया हुआ है उसमें। तो यहाँ सेंटीमीटर ऑप्शंस में देखोगे सेंटीमीटर में, तो आंसर हम किस में निकालेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, ये सारे सेंटीमीटर में, टेंशन नहीं है। तो क्या होगा, तीनों को इंटू कर देते हैं, 15 एंड देन इंटू 12 एंड देन इंटू हो गया 4.5। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है उसका भी ट्रिक होना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट को हटाते, रिप्लेस करते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसको, अब ये 5 को 2 से इंटू करेंगे तो 10 होगा, तो ये 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं 5 3 टाइम्स, और ये हो गया आपका 2 से कैंसिल कर देते हैं 6। ठीक है, अब 6 को 3 से इंटू करेंगे तो 6 3 जा हो गया 18 एंड देन 4 5, तो 18 का टेबल आपको पता होगा, तो 18 5 जा हो गया 90 एंड देन 9, 18 4 जा हो गया आपका 72 और 9 को ऐड करेंगे तो 81, और ये हो गया यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब में हो गया क्योंकि वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 810 जो कि ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूबॉइड इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी आपका ये लॉन्ग है यानी लेंथ दे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और 9 सेंटीमीटर ब्रॉड यानी हो गया ब्रेथ दे दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, एंड हाइट दे दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर, एच आपको दे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इट्स टोटल सरफेस एरिया इज, तो दोस्तों आप याद रखोगे क्यूबॉइड का अगर टोटल सरफेस एरिया, मैं सारे क्वेश्चंस में अब ये डायरेक्ट मैं डिस्कस नहीं किया हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, अब ये मैं पार्ट पार्ट आपको डिस्कस नहीं किया हूँ, बट मैं जिस क्वेश्चंस को करवाऊंगा वहाँ पे आप सारे आपका फार्मूला जो भी है मैं डायरेक्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आप याद रखोगे क्यूबॉइड का 2 LB + BH + HL। ठीक है, और हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया, आप ये भी याद रखोगे लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया, जो क्यूबॉइड है, सपोज ये अगर मैं ये रेक्टेंगल की जैसे ही दिखा देता हूँ, बट ये 2 डायमेंशन है, बट अच्छा चलो ठीक है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये हो गया सपोज ये क्यूबॉइड है। तो अब ये लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है और ये नीचे वाला जो पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये क्या होगा, ओपन होगा यानी खुला होगा। तो ये आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, क्योंकि अब ये क्या है रेक्टेंगल शेप है, तो अब ये लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा, और नीचे वाला भी क्या है एल इंटू बी, ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो अब ये दोनों क्या है ओपन है, यानी एल बी और एल बी नहीं आएगा, तो अब ये LB ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 एंड देन BH + HL ये होगा फार्मूला। बट इसी को कहीं बुक में आप देखोगे 2, अब ये H आपको कॉमन दिख रहा है, तो ये H कॉमन होके ये हो जाएगा B + L × H, ये हो गया, आप याद रखोगे इसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, यानी ये आपसे पूछ रहा है, तो अब इसको हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड देन LB, तो इन दोनों को सबसे पहले इंटू करेंगे, तो 12 को 9 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 एंड देन प्लस, अब देन BH यानी इन दोनों को इंटू करेंगे तो 8 9 जा हो गया 72 एंड देन अगेन प्लस, अब इसको और पहले वाले के साथ इंटू करेंगे तो 12 8 जा 96, इसको प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका कितना 180, और इसमें 96 ऐड कर देते हैं इधर 2 × और ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 2 7, अब इसको 2 से इंटू कर देते हैं 12 देन 1 और ये हो गया 54 155,
और ये हो गया किसमें, यूनिट किसमें दिया हुआ है, सब सारे सेंटीमीटर में है, तो आंसर भी होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हो गया 552 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर है सेकंड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है क्या, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर 15 मीटर एंड 6 मीटर, उसके बाद दिया हुआ है 5 डेसीमीटर। अब ये डीएम हो गया आपका डेसीमीटर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछ क्या रहा है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज, ठीक है ना, ये आपसे पूछ रहा है लेटरल सरफेस एरिया। अभी मैंने बताया था लेटरल सरफेस एरिया आपको, तो अब आंसर्स में देखोगे, यहाँ देखोगे आप डेसीमीटर दिया हुआ है, बाकी 2 मीटर में है, बट ऑप्शंस में देखोगे सारा किसमें है, आंसर मीटर में है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं एल कितना दिया हुआ है, 15 मीटर एंड देन ब्रेथ 6 मीटर, और ये हो गया आपका हाइट दे दिया हुआ है 5 डेसीमीटर। तो दोस्तों आपको पता होना पड़ेगा कि डेसीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो कितना होगा, तो 1 मीटर बराबर ये हो गया आपका 10 डीएम, ठीक है, डेसीमीटर। तो 1 डीएम बराबर, यानी 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर, ठीक है ना। तो अब ये 5 है ना, 5 डीएम है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 डीएम इज इक्वल्स टू 5/10, ठीक है, मीटर। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 5/10 मीटर, क्लियर। अब हमें चाहिए क्या, लेटरल सरफेस एरिया। तो दोस्तों लेटरल सरफेस एरिया मैंने बताया था आपका, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, अब ऊपर नीचे खुला हुआ रहेगा, यानी LB कैंसिल हो जाएगा, तो 2 LB नहीं होगा, तो अब यह आ जाएगा 2 × H एंड L प्लस बी को हम लोग ब्रैकेट में प्लस कर देंगे, आंसर हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे हम लोग, 2 एंड देन इंटू H, अब H देखो कितना है, 5/10, तो ये हो गया 5/10 एंड देन L प्लस बी, ये हो गया 15 और इधर हो गया आपका 6, 15 प्लस 6 आंसर किस में होगा, अब ये हो गया आपका मीटर, है ना, तो मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखोगे 5 × 10 और ये 10, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों ऊपर नीचे, तो 15 प्लस 6 21 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 21 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन, और ये डायमेंशन दे दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ एक रूम है, तो अब यहाँ देखोगे डायमेंशंस कितने दिए हुए हैं, 3 है ना, तो ये क्या हो गया, कौन सा शेप में होगा, यानी हो गया आपका 3D, यानी 3D मीन्स हो गया आपका ये क्यूबॉइड शेप में, ठीक है, इस तरह से। अब इसका लेंथ दे दिया हुआ है, अब इसको हम लोग ले लेंगे L एंड देन ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया आपका हाइट। तो लेंथ दे दिया हुआ है आपका 10 मीटर, ब्रेथ ले लेंगे हम लोग अगेन 10 मीटर और हाइट आपका दिया हुआ है 5 मीटर। तो अब इस रूम के अंदर अब ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड, अब ऐसी कौन एक रॉड को सबसे लंबा रॉड कहाँ हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो अब देखोगे, अब ये जब भी किसी इस तरह से मैं एक शेप दिखा रहा हूँ आपको रेक्टेंगल शेप, अब इसमें अगर इसको आपको कोई भी रॉड को आपको प्लेस करना है तो क्या होगा, अगर ऐसे करोगे तो ये तो स्ट्रेट होगा, बट ऐसे करोगे तो ये ब्रेथ आएगा। अब ये तो लेंथ और ये लेंथ, अब यहाँ ये जो जितना होगा, अब यहाँ ब्रेथ तो आपको कम दिख रहा है, तो ये छोटा ये लॉन्गेस्ट अभी फिलहाल तो यहाँ हुआ, बट ये कंप्लीट लॉन्गेस्ट नहीं होगा, अगर हम लोग इसको ऐसे करके दें डायगोनली दें तो ये सबसे लंबा होगा। ठीक है, तो आप याद रखोगे जब भी आपको लॉन्गेस्ट रॉड अगर प्लेस करना होगा तो आपका क्या होगा, लेंथ ऑफ द डायगोनल। ठीक है, याद रखोगे, तो मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका होगा लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल। ठीक है, और लेंथ ऑफ द डायगोनल हम लोग कैसे निकालेंगे, ये रूट अंडर, अब यहाँ देखोगे, अब ये एक सिंपल सा है, ये 2D का बात हम लोग कर रहे हैं, ये 3D शेप है बट यहाँ पे 2D में बात कर रहा हूँ। ये अगर है, अगर सपोज ये आपका लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये डायगोनल क्या होगा, अब ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो D² इज इक्वल्स टू L² B² प्लस L² / L² + B², अब इसको स्क्वायर को हटाए तो यहाँ क्या आएगा, रूट आएगा। तो बट ये 2D में था, बट ये फिगर कितने में है, 3D में है,
तो 3D में क्या होगा, और एक आ जाएगा यानी हाइट आ जाएगा, तो ये रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आप इसको याद रखोगे डायरेक्ट, ठीक है। तो अब इन तीनों को क्या करेंगे, स्क्वायर करके रूट लगा देंगे, आंसर हो गया। तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ये हो गया आपका 10 स्क्वायर, ये हो गया 100, अगेन 10 स्क्वायर 100, तो ये 100 प्लस 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और ये साथ में आ जाएगा रूट अंडर, तो ये हो गया 225, और 225 आपको पता है कितने का स्क्वायर होगा, ये हो गया आपका 15, तो ये हो गया स्क्वायर रूट कैंसिल, सो आंसर हो गया 15। अब ये हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था नहीं, मीटर में है, तो बट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 15 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पेंसिल दैट कैन बी प्लेस इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशन, दे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और गिवन दिया हुआ है रूट 5 का वैल्यू दे दिया हुआ है 2.24, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, जब भी मैक्सिमम लेंथ निकालना होगा किसी थ्री डायमेंशनल फिगर में तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अब यहाँ पे लेंथ पूछा है मैक्सिमम लेंथ, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना, एल बी एच, तो ये हो गया आपका 8 स्क्वायर, यानी ये हो गया एल, ये हो गया बी, और ये हो गया एच, तो 8 स्क्वायर करोगे तो 64, एंड देन प्लस अब बी यहाँ पे है 6, तो 6 स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये रूट अंडर, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 100, और ये हो गया 25 यानी 125। तो अब ये रूट से तो आएगा नहीं 125, किसी का तो रूट स्क्वायर होगा नहीं 125, है ना, तो इसको हम लोग बना सकते हैं 25 इंटू 5 करके, ठीक है। अब ये हो गया कितने का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर सिर्फ रूट निकल जाएगा बाहर, यानी होगा आपका 5 आ जाएगा बाहर, अंदर बचा रूट 5, तो अब ये हो गया 5, एंड देन इंटू रूट 5 का वैल्यू दे दिया हुआ है 2.24, तो अब 5 से इसको इंटू कर देंगे, आंसर हो गया, तो 5 4 जा हो गया 20, एंड देन 2 10 2 12 कैरी 1 2, और ये हो गया आपका 10 प्लस 1 11, अब दो डिजिट के बाद पॉइंट था यानी यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और ये हो गया आपका सेंटीमीटर में है, तो ये आंसर हो गया किस में, सेंटीमीटर, तो 11.20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है क्या कि द लेटरल सरफेस एरिया, अब यहाँ देखोगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ठीक है, इज दे दिया हुआ है 256 मीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो मैंने बताया था जब लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा कि ऊपर का और नीचे का क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है ना। तो अब ये बट ये क्यूब में है, तो क्यूब का मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, ये सपोज ले लेते हैं, अगर ये क्यूब है तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर 6, अब साइड को हम लोग ए ले लेते हैं, ठीक है, सारा साइड एल बी एच सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना, तो ये 6 इंटू ए स्क्वायर, ए मीन्स हो गया साइड, ठीक है। तो अब इसका हम लोग करेंगे लेटरल सरफेस एरिया, तो दोस्तों यहाँ देखोगे लेटरल सरफेस एरिया यानी एक पोर्शन ये नीचे वाला और एक पोर्शन ऊपर वाला, यानी दो, एक ए स्क्वायर यहाँ से और एक ए स्क्वायर यहाँ से, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, अब यहाँ से 2 ए स्क्वायर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 4 ए स्क्वायर, ठीक है, आप याद रखोगे इसको। तो अब ये क्वेश्चंस में आपसे ये पूछ रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होगा, क्यूब दिया हुआ है, सॉरी ये दिया हुआ है आपका लेटरल सरफेस एरिया, तो ये कितना दिया हुआ है 256 मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 से पहले क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि 4 नीचे आएगा, तो ये हो गया आपका 6 से जाएगा, 6 4 जा 24, और ये हो गया 16 यानी 4, अब ये 64 मिला इन इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, अब ये कितने का स्क्वायर होगा, तो ये पता है आपको 8 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर गया यानी ए इज इक्वल्स टू मिला 8, मीटर में था तो 8 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों अब देखोगे कि साइड आपको मिल गया 8 मीटर, अब आपसे पूछ क्या रहा है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो आप याद रखोगे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, अब जैसे क्यूबॉइड था एल बी एच, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट, यहाँ तो तीनों एक ही है
तो इन तीनों को आपस में इंटू करेंगे, तो ए इंटू ए इंटू ए तीन बार इंटू करेंगे, सो पावर क्या होगा इंटू में प्लस हो जाएगा, यानी वन प्लस वन प्लस थ्री, यानी ए क्यूब, याद रखोगे इसको, ठीक है। साइड क्यूब, तो साइड क्या मिला, एट, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वॉल्यूम एट का क्यूब, और आपको पता ही है एट का क्यूब क्या होगा, 512, यूनिट था मीटर, तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 512 मीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज, दे दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपसे पूछ क्या रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया पता ही है, अभी आपको मैंने बताया था 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड को मैंने ए ले लिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है 96। तो यहाँ से क्या निकालना है, सबसे पहले आपको साइड निकालना होगा, तो 6 से क्या होगा, 6 उधर जाएगा यानी डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, तो ये 16 के टेबल में 16 6 96, ठीक है। तो अब ये 16 कितने का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर, सो आपको साइड क्या मिला, 4 सेंटीमीटर था, यूनिट हो गया आपका सेंटीमीटर, ठीक है। अब साइड आ गया तो वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू साइड क्यूब, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 4 का क्यूब, 4 का क्यूब आपको पता है 64, और ये हो गया सेंटीमीटर, और ये यूनिट हो गया सेंटीमीटर क्यूब, तो आंसर हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज, अब यहाँ देखोगे आपका वॉल्यूम दे दिया हुआ है 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों जब भी वॉल्यूम दिया हुआ हो या फिर इसका सरफेस एरिया आपका ये क्यूब का दिया हुआ हो, तो हमें क्या करना होता है कि क्यूब साइड निकालना होता है ना। तो यहाँ से भी हम लोग क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। तो ये कितने का क्यूब होता है, आपको पता ही होगा कि ये 8 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 8 क्यूब इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, साइड क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम बराबर दे दिया हुआ है 512, मैंने डायरेक्ट लिख दिया हूँ 512 के जगह मैंने 8 क्यूब लिख दिया, ठीक है। अब वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइड क्यूब, सो साइड इज इक्वल्स टू क्या मिला, 8, ये हो गया आपका सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइड क्या है, ए है, तो ये हो गया आपका 6 एंड देन साइड स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आपको पता है 64, ठीक है, और ये एरिया है, तो ये हो गया आपका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो अब इसको इंटू कर देंगे, 64 जा 24 एंड देन 2 36 और 2 38, ये हो गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 384, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज मैंने ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 7 का जो एग्ज़ाम्स अभी होने वाला है उसके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाया। इसी तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।